स्वागत है। किराए के चार वाहनों का ब्यौरा नहीं महानगर पालिका के पास। पिछले कई सालों से चंद्रपुर महानगर पालिका करोड़ों के भ्रष्टाचारों में लिप्त रही है। हर चार महीने में कुछ न कुछ नए घोटाले सामने आ रहे। जैसे कुछ दिनों पहले महापौर की गाड़ी के 3-1 के नंबर प्लेट के लिए हजारों रुपए प्रादेशिक परिवहन विभाग पालिका को भुगतान करना पड़ा। लेखा परीक्षण में 200 करोड़ों पर भी हुआ था बवाल, उसको लेकर महापौर सहित पार्षदों में धक्का मुक्की हुई। महापौर के पति ने उपायुक्त को केबिन में बुलाकर अपमानजनक बातें की, जिसके चलते महापौर के पति पर भी कानूनी कार्यवाही तक भी चली। हर बार की तरह इस बार भी ऑफलाइन आम सभा में बीजेपी सत्ताधारी के नए खुलासे सामने आने लगे। ऐसा ही एक मामला सामने आया महानगर में लगे बिना टैक्सी परमिट टैक्सियों के ब्यौरा नहीं पालिका के पास। पिछले 4 सालों में टैक्सियों का किराया करोड़ों पर कर गया। मनपा अधिकारी व पदाधिकारियों के लिए वाहन किराए से चलाए जाते हैं। पार्षद देशमुख ने इन वाहनों की जानकारी अर्थात वाहन पंजीयन क्रमांक, मालिक का नाम, वाहन लाइसेंस आदि का ब्यौरा मांगा था, लेकिन मनपा के पास इसका ब्यौरा नहीं होने का आरोप गट नेता ने लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में सहायक आयुक्त व उप महापौर के लिए 4 वाहन किराए लिए गए। प्रतिवर्ष करीब 20 लाख रुपए किराया दिया गया, परंतु इन बिना टैक्सी परमिट वाहनों जानकारी मनपा के पास उपलब्ध नहीं है। इसकी जानकारी पालिका गट नेता पप्पू देशमुख ने आम सभा में इसकी जानकारी दी। चंद्रपुर महानगर पालिका ने अधिकारी और पदाधिकारी जैसे उप महापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष, इन लोगों के लिए जो गाड़ियां हायर की, व्हीकल हायर की है, उसके बारे में 2017 से हमने एक जानकारी रिटर्न एक लेटर देकर के हमने प्रशासन से मांगी थी। उसके ऊपर में प्रशासन ने जो जवाब हमें दिया है लिखित में, वो बड़ा ही आश्चर्यकारक जवाब है। प्रशासन ने हमें दिया है कि 2017 से जो गाड़ियां, जो व्हीकल हायर किए गए हैं, उनकी जानकारी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। दूसरी तरफ हमने ऐसी जानकारी हासिल की है कि 4 गाड़ियां इस तरह से पिछले 4-5 सालों से लगाई गई है, जिसके बदले में लाखों रुपए हर साल, मतलब करीब करीब 20 लाख रुपए हर साल किराया दिया जाता है। जिन गाड़ियों के लिए 20 लाख रुपए हर साल किराया दिया जाता है, उनके कागज, उनके पेपर, उसकी कोई भी जानकारी, मतलब गाड़ी का मालक, गाड़ी का नंबर, गाड़ी का परमिट, इसकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस तरह का लिखित जवाब प्रशासन ने, मनपा प्रशासन ने देना एक बहुत ही गंभीर मामला है। यह मामला आज सभागृह में, जनरल बॉडी मीटिंग में, सदन में हमने उठाया। इसके खिलाफ जिन अधिकारियों ने ऐसा जवाब दिया और इस मामले में जो भी अधिकारी पदाधिकारी लिप्त है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, उन्हें निलंबित करने की मांग हमने महापौर से की। और यह जो मामला है, इसकी जिला भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के अध्यक्ष, जिलाधिकारी के मार्फत जांच करने की मांग भी हमने की। हमारी जो मांग है, उसको महापौर मैडम ने इस पूरे मामले की जांच जिलाधिकारी के मार्फत करने का आश्वासन हमें दिया है। आगे अगर इसकी जांच नहीं की गई तो हम इसके खिलाफ न्यायालय के स्तर पर कार्रवाई करने के लिए पूरी आगे बढ़ेगी।